धोलावीरा, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जैसी नगरपुर संस्कृतियों के बनने और बसने के साथ भारत भूमि में अंकुरित हुआ सनातन दर्शन, जो आत्मा परमात्मा के अद्वैत का संदेश लेकर संपूर्ण विश्व पर छाने लगा। इस आध्यात्मिक सोच ने कई मतों और छह दर्शनों को भी जन्म दिया और हमेशा से अनेकता में एकता को मानने वाला देश संसार के सामने एक अद्भुत उदाहरण बनता हुआ आगे ही आगे बढ़ता रहा। कालांतर में इस जनतंत्र पर बाहर से आए आक्रांताओं और भीतर ही जन्मे भीतर घातियों की नजर लग गई। आपस की एकता टूटने और जन्मों की अवहेलना के कारण देश की एकता खतरे में आ गई और हजारों मील दूर बैठी एक विदेशी सत्ता ने 200 साल के लिए भारत की सत्ता पर अधिकार जमा लिया। किंतु अंग्रेज सत्ता के विरुद्ध पूरे देश में चले स्वतंत्रता के आंदोलन ने एक बार फिर से पूरे भारत को जोड़ दिया। एक ओर सशस्त्र क्रांतिकारी थे तो दूसरी ओर केवल सत्य और अहिंसा की ढाल लिए महात्मा गांधी के सत्याग्रही। एक ओर हिंदुस्तानी सिपाहियों की आजाद हिंद फौज को साथ लिए नेताजी सुभाष बोस थे तो दूसरी ओर स्वतंत्रता का बिगुल बजा चुके जवान नौसैनिक। कुल मिलाकर भारत छोड़ो की आवाज पहली अंग्रेज सरकार के कानों तक पहुंच ही गई और यूं वो दिन आ ही गया जिसकी बरसों से भारत देश को प्रतीक्षा थी। स्वतंत्रता प्राप्त करना जितना महत्वपूर्ण था, नए नए स्वतंत्र राष्ट्र के लिए एक नूतन मार्ग प्रशस्त करना और उसकी अखंडता को अक्षुण रखना। सौभाग्य से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संरक्षण और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मार्गदर्शन से लोकतंत्र की जननी धरती ने अपने लिए जनतंत्र को ही चुना। जनता की सरकार ने देश की बागडोर संभाल ली। वही सरदार पटेल ने यह भी सुनिश्चित कर दिया कि भारत की अखंडता और अक्षुण्णता पर एक खरोंच भी ना आए। दुनिया के सबसे विशाल जनतंत्र भारत में पिछले 76 सालों में अलग अलग मतों, दलों, गुटों से आए 14 प्रधानमंत्रियों ने इस देश का नेतृत्व किया और संकटों, चुनौतियों से घिरे देश की आत्मा को निरंतर संबल दिया। इस नई सदी में एक नया युग भारत में शुरू हुआ। वर्ष में केवल एक बार लाल किले की प्राचीर से या कभी कभार जनसभाओं में और किसी आपात स्थिति या युद्ध काल में रेडियो टीवी से जनता से बात करने की बजाय हर महीने ही जनता के मन मानस की बात सुनने और अपने मन की बात जनगण से करने की एक नई परिपाटी रच डाली। सन 2014 के मई माह में प्रधानमंत्री की शपथ लेने के 5 महीनों के अंदर ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये समझ लिया था कि अभी तक देश में नेता तो माइक पर बारंबार बहुत कुछ बोलते आए हैं, किंतु जनता के दिल की बात सुनने और उनसे अपने देश की बात करने के अवसर और मंच बहुत ऐसे सीधे जोड़कर मन की बात करना। टीवी और कंप्यूटर के युग में रेडियो क्यों, कुछ लोगों ने पूछा, किंतु माननीय मोदी जी जानते थे।